तो गाइस मैं आपको आज फिंगर स्पिन सिखाने वाला हूँ और आपने देखा मैं इसको कितनी इजीली कर पा रहा हूँ। जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा आपको वो फॉलो करने हैं और अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 दिन में आप इसको अच्छे से सीख पाओगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो जल्दी से गाइस देखते हैं कैसे होगा। तो गाइस आज मेरे साथ है करण और इसको मैं आज फिंगर स्पिन के कुछ टिप्स दूंगा और देखते हैं ये उन टिप्स को फॉलो करेगा और कैसे इस चीज को सीखता है। आप भी इसके साथ सीखना और एंड में दिखाऊंगा मैं आपको कि ये कैसे करके दिखाएगा। जो स्टेप्स मैं करण को बताऊंगा आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं। तो गाइस सबसे पहले बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं कि लोग बॉल घुमाते हैं इस पार्ट पे, आगे वाले पार्ट पे, ठीक है, बट आपको घुमाना है नेल्स पे। ये जो नेल में दिखा रहा हूँ इस पे आपको बॉल को घुमाना है और थोड़ी बेंड कर लेना इसको। नाखून पे बॉल पे फ्रिक्शन कम लगता है और बॉल अच्छे से घूमती है, ठीक है। तो गाइस इसके बाद सबसे बड़ी जो दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि वो बॉल को बहुत तेज नहीं घुमाते, वो बॉल को स्लो घुमाते हैं। इसकी वजह से अगर वो बॉल सेंटर पे भी आ भी जाए उंगली के तो वो गिर जाती है गाइस। तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बॉल को टाइटली होल्ड करना है, ठीक है। टाइटली जब आप होल्ड करोगे तो आप उसको तेज घुमाने की कोशिश करोगे और जब आप उसको तेज घुमाओगे और आपकी बॉल प्लेसमेंट हो रही है सेंटर में तो वो, और आप उसको नेल्स पे रख रहे हो तो वो खुद ही घूमेगी, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज है उसका आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करना है कि जो बॉल की जो आपकी उंगली है वो बॉल के सेंटर पे आए, ठीक है। सेंटर पे जब आएगी तो वो अच्छे से घूमेगी और ज्यादा देर घूमेगी, ठीक है। राइट जाएगी तो नीचे गिर जाएगी, लेफ्ट की तरफ जाएगी तो उस तरफ से नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि आप सेंटर मेंटेन करेंगे ताकि बॉल एक एक्सिस पे घूमे और ज्यादा मूवमेंट ना हो फालतू का बॉल में, सिर्फ जो ये घूम रही है उसका हो, ठीक। अब स्लैब की बात मैं आपको समझा दूं, जो बॉल को स्लैब देना है वो एकदम से नहीं आएगा, उससे पहले आपको ये ठीक से घुमाने आनी चाहिए, ठीक है। और जो आप स्लैब दे रहे हो नीचे की तरफ होना चाहिए बॉल के, सेकंड हाफ नीचे की तरफ, ठीक है। और आराम से उसको स्लैब दोगे, ऐसा नहीं दोगे कि वो धक्का लग जाए और बॉल इधर उधर गिरे। आप बॉल को सेंटर में स्लैब दोगे कुछ इस तरीके से, देखना स्पीड कम हो जाए तो मैं इसको हाथ से कुछ इस तरीके से, जब मेरा मन करे तब तक मैं इसको घुमा सकता हूँ। एक सबसे बड़ी गलती गाइस ये है, जैसे कि आपने देखा बॉल मेरी सीधी घूम रही है, देखो एरो के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ ये सही है और ये गलत है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉल ऐसे ही घूमे। आजा करण। तो गाइस करण मेरे साथ अभी सुन के इन चीजों को फॉलो कर रहा था और आई होप उसने थोड़ा ध्यान दिया होगा और ये आपको थोड़ा सा ट्राई करके देखेगा। नहीं, इसको थोड़ा सा मतलब बीच में लाने की कोशिश करना, ये तो गाइस आपने देखा मतलब शुरू इसको भी मतलब 1-2 दिन से मैंने बता रखा है पर अभी स्टार्टिंग में ना मतलब इसको सिर्फ घुमाना आया था। तो ये जो मारने वाला चीज़ है ना प्रैक्टिस से आता है, क्योंकि मेरे को भी काफ़ी टाइम बाद ये सीखने को मिला था, जब मैं घुमा रहा था पर मारने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, पर इसकी भी धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस की। बेस पे हिट करना है आपको, ध्यान रखना है, कोशिश करते रहनी है और आप भी इसको धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएंगे। तो गाइस मेरी तरफ से इसका ट्यूटोरियल इतना ही था, आई होप फिंगर स्पिन का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया और इसको आप सीख के अपने फ्रेंड्स को इंप्रेस करेंगे। तो गाइस आज की मेरी इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में गाइस। पीस आउट।